पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद अब अगली बैठक शिमला में होनी है। उससे पहले कांग्रेस अपनी पूरी मजबूती के साथ तैयारियों को अमली जमा पहनाने में लग गई है। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरी शिद्दत के साथ इस गठबंधन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि उनके इसी इशारे पर कांग्रेस पार्टी आगे की योजनाओं को बनाने में लग गई है। इस संबंध में कांग्रेस ने एक बैठक भी की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की मजबूत पैरवी के चलते गठबंधन तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी को शामिल किया जाएगा। इसकी संभावनाएं रणनीतिक तौर पर फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। शुरुआती दौर की बातचीत और सियासी संभावनाओं को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि और भी कई बड़े राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का इस बनने वाले बड़े गठबंधन में साथ छोड़ सकते हैं। नए गठबंधन की मजबूत गांठ लगने से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार शुरू हो गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से जब अध्यादेश के लिए सभी दलों को अपने पक्ष में खड़े रहने की बात शुरू की गई तो कांग्रेस में इस पर बैठक में भी आम आदमी पार्टी का खुलकर साथ नहीं दिया। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से खुलकर बैठक के बाद से आपस में विरोध होना शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने जहां कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लेना शुरू किया, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय माकन ने आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट तक कह दिया। ऐसी सियासी तकरार में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि फिलहाल तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई भी समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा है। सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल इसी को लेकर के उठ रहा है कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस गठबंधन में आखिर कैसे शामिल कराएंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी शुरुआत से अरविंद केजरीवाल के साथ में गठबंधन को लेकर न सिर्फ चर्चा कर रहे थे बल्कि उनको अपने साथ जोड़कर चल रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुरुआती दिनों में तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बढ़ रही खाई को दूर कराने की कोशिश जरूर करेंगे। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत कई और बड़े नेता दो कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। इसमें अगर आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होती है फिर भी यह गठबंधन आगे बढ़ सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही टकरार में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से अकेले छोड़ देने की रणनीति पर काम कर रही है। चूंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना विस्तार करना चाहती है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत ज्यादा सजग हो चुकी है। उनका कहना है कि पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता है कि अब यह उस तरीके के हालात खुद जानबूझकर पैदा करे जिससे उनके लिए आने वाले दिनों में उत्तर भारत के राज्यों में सियासी चुनौती का सामना करना पड़े। यही वजह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।